वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में भर भर के अपडेट्स हैं WWE से और उनके सुपरस्टार से जुड़ी हुई, जिसमें हम बात करेंगे ड्राफ्ट 2021 को लेके क्या सामने आ रहा है, बैकी लिंच के ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में, क्यों WWE ने जिम्मी ऊसो पर कोई एक्शन नहीं लिया, डेनियल ब्रायन को WWE ने कहां से हटाया और बात करेंगे ब्रॉक लेसनर के बारे में। और इसके साथ साथ बात करेंगे NXT में दिखे आज मेन इवेंट की, जहां समोआ जो पर किसने अटैक करा। वीडियो काफी कमाल की होने वाली है, उम्मीद है आप सभी को पसंद आएगी, तो लाइक करे बिना मत जाइएगा। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रियांशु, आप देख रहे हैं गेम ऑफ इनिंग्स। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और शुरू करते हैं वीडियो बेल बजा के। शुरुआत करते हैं फर्स्ट अपडेट से, जो कि जुड़ी हुई है बैकी लिंच से। जैसा कि बैकी लिंच को WWE से दूर हुए लगभग 14 महीने का टाइम हो चुका है, अब उनकी वापसी को लेकर काफी ज्यादा रूमर्स आते रहते हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि वो हो सकता है मनी इन द बैंक PPE में वापसी करते हुए दिखाई दे जाएं, या उसके बाद ब्रांड शो पर रिटर्न करें। खैर, इस अपडेट में हम बात करेंगे उनके ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। रिसेंट में उनकी एक पिक सामने आई है, जिसमें उनका लुक वाकई गजब का लग रहा है और फर्स्ट टाइम देखने पर तो आइडेंटिफाई करना मुश्किल है कि ये बैकी लिंच हैं। जिस तरह से वो दिखाई दे रही हैं, उसके बाद उम्मीद है जल्दी उनकी वापसी होने वाली है। और वैसे भी मैं बता चुका हूं कि हेलेना सेल PPE में वो बैकस्टेज भी मौजूद थी, जिसके बाद माना जा रहा है कि कुछ ही दिन जा रहे हैं, बैकी लिंच की वापसी कभी भी हो सकती है। नेक्स्ट अपडेट जुड़ी हुई है ड्राफ्ट 2021 से। जैसा कि मैं अपनी वीडियोस में पहले भी कवर कर चुका हूं कि इस साल का ड्राफ्ट समर स्लैम PPV के बाद 21 अगस्त और 3 सितंबर 2021 को होना था, बट इस डेट्स में होने वाला ड्राफ्ट कैंसिल हो चुका है और इसमें अब कुछ चेंजेस हो गए हैं। बताया जा रहा है कि अब ड्राफ्ट हमें अक्टूबर 2021 के महीने में होता दिखाई देगा। हालांकि किस डेट्स में होगा वो अभी सामने नहीं आया है, बट पॉसिबल डेट्स ड्राफ्ट को लेकर सामने आ रही हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि 1 और 4 अक्टूबर को या 4 और 8 अक्टूबर को ड्राफ्ट होता दिखाई दे सकता है। अब डेट्स में चेंजेस क्यों हुआ है उसका रीजन सामने नहीं आया है, बट लास्ट ईयर भी अक्टूबर 2020 में ही हमें ड्राफ्ट देखने को मिला था। अब बात कर लेते हैं क्यों WWE ने जिम्मी ऊसो के अरेस्ट होने के बाद भी उन्हें पनिश या एक्शन क्यों नहीं लिया, जबकि काफी लोग उनसे नाराज थे। अब अक्सर WWE में सुपरस्टार के कुछ उलझुल हरकतों पर WWE एक्शन लेती है, बट जिम्मी ऊसो के साथ नहीं हुआ। अब देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि हो सकता है कि WWE उन पे कुछ साइलेंटली एक्शन ले। रीजन साफ है, क्योंकि वो इस टाइम स्मैकडाउन की सबसे जबरदस्त स्टोरी लाइन का हिस्सा है, जो कि रोमन रेंज से कनेक्टेड है, जिसके चलते WWE ने उन पे कोई एक्शन नहीं लिया। अगर WWE कोई एक्शन लेती तो डेफिनेटली उसका इंपैक्ट रोमन रेंज की स्टोरी लाइन पर जरूर पड़ता, इसलिए WWE ने जिम्मी ऊसो पर एक्शन नहीं लिया। और अगर एक्शन लेती और उसका इंपैक्ट स्टोरी लाइन पर पड़ता तो WWE को उसका कुछ रिप्लेसमेंट ढूंढना पड़ता। अब हो सकता है WWE कुछ टाइम बाद जिम्मी ऊसो पर एक्शन ले। वैसे कुल मिला के जिम्मी ऊसो अभी बच चुके हैं, अब देखते हैं WWE आगे उनको लेके कुछ करती भी है या नहीं। नेक्स्ट अपडेट जुड़ी हुई है डेनियल ब्रायन से। रिसेंट में अपडेट आ रही है कि WWE ने डेनियल ब्रायन को एक बड़े प्रोजेक्ट से हटा दिया है। जैसा कि आप सभी को याद होगा, ब्लू ब्रांड के एक शो में, जो कि 30 अप्रैल को हुआ था, डेनियल ब्रायन रोमन रेंस के खिलाफ अपना मैच हार गए थे और उस मैच की स्टिपुलेशन के अकॉर्डिंग डेनियल ब्रायन को WWE छोड़ना पड़ा और तब से वो दिखाई नहीं दिए हैं। बताया गया कि उसके बाद WWE के साथ डेनियल ब्रायन का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया था। अब WWE ने डेनियल ब्रायन को जिस प्रोजेक्ट से हटाया है वो गेमिंग से रिलेटेड बताया जा रहा है। अब सबका मानना है कि डेनियल ब्रायन जल्दी WWE के साथ न्यू कॉन्ट्रैक्ट साइन करके वापसी करेंगे, बट सवाल ये भी आ रहा है कि अगर कंपनी को भरोसा है कि वो नया कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे तो क्यों उन्हें बड़े प्रोजेक्ट से निकाला गया। वैसे आप सभी को बता दूं, डेनियल ब्रायन को AEW और NJPW से भी बड़े-बड़े ऑफर हैं। अब बात कर लेते हैं ब्रॉक लेसनर के बारे में। जैसा कि वो लास्ट टाइम रेसलमेनिया 36 में दिखाई दिए थे, बट हाल ही में वो बियर्ड बूचर्स में दिखाई दिए, जहां उनका एक अलग ही लुक देखने को मिला, जिसमें उनके पॉनीटेल और हल्की हल्की दाढ़ी भी दिखाई दे रही है। ब्रॉक लेसनर को लेके अपडेट्स थी कि वो कनाडा में है, बट जब उन्हें बियर्ड बूचर्स में देखा गया तो पता चला कि वो ओहायो में है, क्योंकि बियर्ड बूचर्स ओहायो में है और 23 जुलाई को स्मैकडाउन का शो ओहायो में ही होना है। हालांकि उनकी वापसी को अब तक बस रूमर्स ही आ रहे हैं, कब होगी वापसी कब नहीं कुछ कहना पॉसिबल नहीं है। कुछ रिपोर्ट्स दावा कर रही हैं कि वो समर स्लैम में दिखाई देंगे, कुछ ऐसा होने से साफ इनकार कर रही हैं। अब 23 जुलाई को ओहायो में जो स्मैकडाउन का शो होना है उसके लिए उनकी वापसी टीज हो रही है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उनकी वापसी वहां होने वाली है। ये केवल और केवल एक कोइंसिडेंस है कि बियर्ड बुचर्स और स्मैकडाउन का एपिसोड एक ही जगह होना है। अब वैसे तो वीडियो मुझे कल शाम को अपलोड करनी थी, बट नहीं कर पाया, इसलिए इस टाइम कर रहा हूं।
आप शायद ब्रॉक लेसनर के बारे में देख चुके होंगे, बट एक बार और देख लीजिएगा। अब व्यूज पहले जैसे आते नहीं है, बट जितने भी आते हैं वही अच्छे से सपोर्ट कर दिया करो तो मेरे लिए काफी अच्छा होगा। अब बात कर लेते हैं एनएक्सटी के मेन इवेंट मैच की, जो कि कैरियन क्रॉस वर्सेस जॉनी के बीच एनएक्सटी टाइटल के लिए देखने को मिला, जहां समोआ जो स्पेशल गेस्ट रेफरीज है। मैच काफी सही दिखा इन दोनों के बीच, जिसमें दोनों ने एक दूसरे पर जबरदस्त मूव का यूज करा। वहीं मैच के दौरान कैरियन क्रॉस ने जॉनी को सबमिशन लगाया, उन्होंने रोप टच भी कर लिया, बट कैरियन क्रॉस उन्हें छोड़ नहीं रहे थे। तभी समोआ जो ने कैरियन को प्रेशर से हटाया और फिर ये दोनों आमने सामने आए। इसके बाद कैरियन जॉनी का स्टील स्टेप्स पर सर रख के दूसरे स्टील स्टेप्स पे उनको मारने वाले थे, तो समोआ जो ने उन्हें ऐसा करने से रोक लिया। एंड में जीत कैरियन क्रॉस की हुई। समोआ जो जैसे ही रिंग से निकल रहे थे, तभी कैरियन ने समोआ जो को भी सबमिशन लगा दिया। तो क्या अब हमें समोआ जो का रिंग में एक्शन वापस से देखने को मिलेगा, जिसके लिए फैंस उनका वेट कर रहे थे? मेन रोस्टर में तो ऐसा नहीं हो पाया, अब ऐसा यहां पर एनएक्सटी में होता है या नहीं, ये आने वाला टाइम बताएगा। तो फ्रेंड, ये थी WWE से जुड़ी कुछ बड़ी अपडेट्स जो मैंने आपके सामने रखी। उम्मीद है वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। तो लाइक करें, शेयर करें, और इस तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।